ये ब्लैकबेरी का Z10 मोबाइल है और इसको हमको फ्लैश करना है। इसमें ख़राबी ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पे यह मोबाइल ब्लैकबेरी से आगे नहीं जाता। इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हमको इसको फ्लैश करना होता है और इसको फ्लैश करने के लिए तो हमें इस मोबाइल को ऑनलाइन फ्लैश करना है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए और इसके लिए ब्लैकबेरी लिंक सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप से ब्लैकबेरी लिंक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मोबाइल को ऑफ करके चार्ज बैटरी के साथ USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। जब हमने सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ कर लिया और बैटरी भी चार्ज है वो USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया मोबाइल अभी यहाँ पर डिवाइस में डिसकनेक्टेड लिखा रहा है तो उसकी जगह कनेक्टेड लिखा जाएगा। ये कनेक्टेड लिखा जाता है। अब हमको इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है मतलब फ्लैश करना है। तो फ्लैश करने के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे और इसमें जाके रीलोड डिवाइस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और रीलोड पे क्लिक करेंगे। रीलोड पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पे एरर आता है तो इसके लिए हम क्लोज कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद दोबारा से सेम इसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे। प्रेफरेंस में जाएंगे, रीलोड डिवाइस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और रीलोड पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड डिवाइस लिखा जाता है, यस पे क्लिक करेंगे और इस यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट अपडेट पे क्लिक कर देंगे और गेट अपडेट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करते यहाँ पे अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस में हमारे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। यदि अच्छी स्पीड का इंटरनेट होता है तो करीब 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है और अगर स्पीड थोड़ी कम है तो 1 घंटा भी लग सकता है। यदि हम इससे पहले किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर चुके हैं ब्लैकबेरी के इसी सेम मॉडल को तो यहाँ पे फ्लैशिंग होने में मतलब इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस प्रोसेस में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और यदि फर्स्ट टाइम हम फ्लैश कर रहे हैं इसी मॉडल को तो उसमें फिर टाइम लगता है। और यहाँ पर कम्प्लीट फ्लैश होने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है योर सॉफ्टवेयर अपडेट इज कम्प्लीट। और यहाँ पर हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं और इसको भी क्लोज पे क्लिक कर देते हैं और मोबाइल जो अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है और इस समय हम मोबाइल को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इस मोबाइल का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इस मोबाइल को अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है तो यहाँ पर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स को स्किप करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आता है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, इसको इनेबल कर देंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टैब हियर टू ट्राई इट पे क्लिक करके हमको इसको ऊपर करना होता है तो इसको हमने ऊपर कर दिया इस प्रकार से। और टैब हियर टू ट्राई इट पे क्लिक करके दोबारा से सेम करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यह मोबाइल इस प्रकार से हमारा पूरा ऑन हो जाता है।